हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग क्रोशे बाय संजू। आज मैं आपके लिए रोज़ फ्लावर बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं रोज़ फ्लावर बनाई हूँ, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए मैं क्रोशे से बनाई हूँ इस तरह से, देखिए ये मैं पंखुड़ी बनाई हूँ और देखिए नीचे की बेस, देखिए इस तरह से मैं ग्रीन कलर उन से मैं नीचे की बेस बना ली हूँ और देखिए ये जो है लिप्स बनाकर इसमें मैं ऐड कर ली हूँ। देखिए इसमें मैं वायर लगाई हूँ, वायर लगाने से देखिए इस तरह से टाइट है, इस तरह से रहेगी। तो देखिए अलग अलग कलर में मैं फ्लावर बनाई हूँ, देखिए पर्पल कलर में बनाई हूँ, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है फ्लावर। देखिए इस तरह से लिप्स में लगाई हूँ और देखिए ये मैं पिंक कलर में बनाई हूँ जिसमें मैं लिप्स नहीं लगाई हूँ। देखिए इस तरह से पंखुड़ी में बनाई हूँ सिर्फ। देखिए अलग अलग कलर में मैं फ्लावर बनाकर मैं रखी हूँ, देखिए वाइट कलर है, रेड कलर है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है रोज़ फ्लावर। फ्रेंड्स ये जो है रोज़ फ्लावर बनाकर आप अपने घर में डेकोरेट कर सकती हैं या फिर इस तरह से रोज़ फ्लावर बनाकर एक बुके बनाकर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं रोज़ फ्लावर बनाना स्टार्ट करती हूँ, देखिए किस तरह से बनती है। और फ्रेंड्स ये मैं रोज़ फ्लावर की वीडियो में थ्री पार्ट में मैं पूरी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये रोज़ फ्लावर बनाने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट में देखिए ये जो पंखुड़ी बनाई हूँ ये फ्लावर में कंप्लीट कर लूँगी पंखुड़ी। इसके बाद मैं देखिए नीचे की ये जो बेस है ये मैं बनाऊँगी सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मैं आपको लिप्स और इसको कम्प्लीट करके मैं दिखाऊँगी थर्ड पार्ट में। तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो पहले मैं बनाना स्टार्ट करूँगी फ्लावर के पंखुड़ी किस तरह से बनती है। इसके लिए मैं देखिए डार्क मरून कलर के ऊन ली हूँ और देखिए 12 नंबर के मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। मैं देखिए पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। मैं देखिए इस तरह से गांठ लगाने के बाद मैं 58 चेन में बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए इस तरह से मैं पूरी 58 चेन में बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी 58 चेन में बना ली हूँ। इसके बाद मैं 3 चेन और बनाऊँगी। मैं देखिए 1, 2, 3 ये पूरी मेरी 61 चेन में पूरी कंप्लीट की हूँ। 61 चेन कंप्लीट करने के बाद मैं देखिए डबल क्रोशिया फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद मैं देखिए फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिफ्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसी तरह से सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं देखिए बैक साइड से मैं पलट लूँगी और यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी। 1, 2 और डबल क्रोशिया। देखिए इसी जगह पर मैं क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सेकंड चेन में क्रोशिया डालूँगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं सेकंड चेन में। देखिए 1, 2 देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में यहाँ से मैं बैक साइड से मैं पलट लूँगी और 2 चेन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से और डबल क्रोशिया। देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। दोबारा देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1, 2 देखिए इस तरह से। इसके बाद सेकेंड चेन में भी क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1
टू, देखिए इस तरह से। इसके बाद थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी और टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये जो चेन सारे दिख रही है, सारे चेन में टू डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से सारे चेन में टू डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए बैक साइड से पलट लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद टू चेन बनाऊँगी यहाँ पे, वन टू, और देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और टू डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए वन, दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए इस तरह से टू डबल क्रोशिया में बना ली हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और फर्स्ट चेन में टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए वन, दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिए, मैं फ्लावर की पंखुड़ी में बना रही हूँ, देखिए इस तरह से टू डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद मैं देखिए क्रोशिया पर टू बार में धागा लूँगी, देखिए वन टू, और देखिए सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से बनाऊंगी, देखिए वन टू थ्री, देखिए थ्री बार में इस तरह से मैं बना ली हूँ। क्रोशिया पर टू बार धागा लेते हुए देखिए दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी सेकेंड चेन में ही, और इसी तरह से बनाऊंगी, देखिए थ्री बार में इसको इस तरह से बनाऊंगी। इसके बाद थर्ड चेन में भी सेम इसी तरह से बनाऊंगी, क्रोशिया पर टू बार धागा लेते हुए टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए क्रोशिया पर टू बार धागा लेते हुए थर्ड चेन में दोबारा क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से बनाऊंगी, देखिए इस तरह से बन गई है। देखिए इस तरह से कर्व की तरह है बनती जाएगी, देखिए इस तरह से मैं बना ली हूँ। इसके बाद मैं क्रोशिया पर मैं थ्री पर धागा लूँगी, देखिए वन टू थ्री, और फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी, देखिए इस तरह से, और इसे मैं बनाऊँगी, देखिए वन टू थ्री फोर, क्रोशिया पर थ्री बार धागा लूँगी दोबारा, और दोबारा देखिए फोर्थ चेन में ही क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से बनाऊंगी, देखिए वन टू थ्री फोर, देखिए इस तरह से। इसके बाद में क्रोशिया पर देखिए थ्री बार धागा लूँगी मैं और फिफ्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी, और देखिए इसी तरह से बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर, देखिए इस तरह से क्रोशिया पर मैं थ्री बार धागा लूँगी और दोबारा देखिए फिफ्थ चेन में ही क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से बनाऊँगी, वन टू थ्री फोर, देखिए इस तरह से बन रही है, देखिए इस तरह से कर्व की तरह बन रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसी जगह पे मैं टू डबल क्रोशिया बनाई थी, देखिए फर्स्ट चेन में मैं टू डबल क्रोशिया बनाई हूँ और सेकेंड थर्ड चेन में मैं टू डबल क्रोशिया बनाई हूँ, क्रोशिया पर टू बार धागा लेते हुए, और देखिए फोर्थ और फिफ्थ चेन में थ्री बार क्रोशिया पर धागा लेते हुए टू डबल क्रोशिया बनाई हूँ फोर्थ और फिफ्थ चेन में। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे टू चेन बनाऊँगी, वन टू, और देखिए इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी, ये जो धागा दिख रही है यहाँ पर, और इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया में बना लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद में जैसे कि देखिए यहाँ से मैं बढ़ाते हुए यहाँ पे इस तरह से लाई हूँ, देखिए यहाँ से इसकी लंबाई देखिए ज़्यादा है, ये लंबाई इस तरह से कर्व होते बनती गई है। अब मैं यहाँ से मैं घटाते हुए इस साइड में लाऊँगी, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कुर्सी पर थ्री बार धागा लूँगी मैं, जैसे कि यहाँ पर बनाई हूँ फोर्थ और फिफ्थ चेन में, सेम उसी तरह से बनाऊँगी यहाँ सिक्स्थ और सेवन्थ चेन में। देखिए इस तरह से वन टू थ्री फोर,
दोबारा देखिए सिक्स चेन में एक क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद मैं सेवन चेन में क्रोशिया डालूँगी, क्रोशिया पर थ्री बार धागा लेते हुए, देखिए इस तरह से क्रोशिया पर थ्री बार धागा लेते हुए सेवन चेन में ही दोबारा डालूँगी क्रोशिया और इस तरह से बनाऊँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए क्रोशिया पर टू बार धागा लूँगी, वन टू, और देखिए एट्थ चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी क्रोशिया पर टू बार धागा लेते हुए। एट्थ और नाइन्थ चेन में सेम इसी तरह से बनाऊँगी क्रोशिया पर टू बार धागा लेते हुए, एट्थ और नाइन्थ चेन में टू डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए क्रोशिया पर देखिए वन पर धागा लूँगी मैं डबल क्रोशिया, और देखिए मैं टेंथ चेन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। दोबारा देखिए टेंथ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए क्रोशिया पर वन बार धागा लूँगी डबल क्रोशिया, इलेवंथ चेन में क्रोशिया डालूँगी और टू डबल क्रोशिया बना लूँगी, देखिए इस तरह से। जैसे कि मैं यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट की थी, यहाँ से बनाते बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर लाई हूँ और यहाँ से घटाते हुए मैं यहाँ पर लाई हूँ, तो सेम दोनों तरफ से उसी तरह से बनाई हूँ। देखिए वन पंखुड़ी इस तरह से कंप्लीट हो गई है, देखिए देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। सेम इसी तरह से मैं पूरी फाइव पंखुड़ी कंप्लीट करूँगी सेम इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से टू चेन बनाऊँगी मैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर दूँगी, टू चेन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लूँगी। देखिए यहाँ से इस तरह से मैं नीचे ला रही हूँ इसे, यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी, देखिए इस तरह से वन पंखुड़ी बनकर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे टू चेन बनाऊँगी, वन टू, और देखिए डबल क्रोशिया फर्स्ट चेन में यहाँ पर क्रोशिया डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी और टू डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए इस तरह से वन टू। इसके बाद फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिफ्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए इस तरह से। देखिए दोनों तरफ से देखिए फर्स्ट और सेकंड चेन में वन डबल क्रोशिया बनाई हूँ और थर्ड चेन में मैं देखिए टू डबल क्रोशिया बनाई हूँ, इसके बाद देखिए फोर्थ और फिफ्थ चेन में वन डबल क्रोशिया बनाई हूँ। तो दोनों तरफ से जैसे कि फर्स्ट और सेकंड इस साइड से वन डबल क्रोशिया है, दूसरी साइड से भी फर्स्ट और सेकंड वन डबल क्रोशिया है, बीच में टू डबल क्रोशिया है। इसके बाद जैसे कि मैं ये पंखुड़ी कंप्लीट की हूँ सेम उसी तरह से ऊपर बनेगी, जैसे कि जो चैन दिख रही है सारे चैन में टू डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से मैं पूरी फाइव पंखुड़ी में बनाकर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं फाइव पंखुड़ी में पूरी कंप्लीट कर ली, जैसे कि मैं देखिए वन पंखुड़ी बनाई थी सेम उसी तरह से, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पंखुड़ी में कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे मार्क लगा लूँगी, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिप लगा सकती हैं या फिर देखिए ऊन इस तरह से मैं ऊन लगा लूँगी ताकि पता चले कि मैं सेम पंखुड़ी में कितने पीस में बनाई हूँ। देखिए फाइव पंखुड़ी में सेम बना ली हूँ, इसके बाद में इसे छोटी पंखुड़ी में बनाऊँगी। देखिए डबल क्रोशिया, देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सेकंड चेन में क्रोशिया डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, देखिए इस तरह से फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया में बनाऊँगी, देखिए वन टू थ्री फोर। इसके बाद मैं देखिए बैक साइड से पलट लूँगी
और टू चैन बनाऊंगी। और देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशी डालूंगी और टू डबल क्रोशी बनाऊंगी। देखिए वन टू, इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशी डालूंगी और टू डबल क्रोशी बनाऊंगी, वन टू। देखिए इस तरह से सेकेंड चेन में क्रोशी डालूंगी और टू डबल क्रोशी बनाऊंगी। इसके बाद देखिए थर्ड चेन में क्रोशी डालूंगी और टू डबल क्रोशी बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद मैं देखिए इस तरह से प्लॉट लूँगी। देखिए इस तरह से प्लॉट लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे टू चैन बनाऊँगी और देखिए इसी जगह पे मैं क्रोशी डालूँगी और टू डबल क्रोशी बनाऊँगी, वन टू। इसके बाद मैं देखिए फर्स्ट चैन में क्रोशी डालूँगी और टू डबल क्रोशी बनाऊँगी। देखिए वन टू, देखिए फर्स्ट चेन में टू डबल क्रोशी बना ली हूँ। इसके बाद मैं क्रोशी पर टू बार धागा लूँगी। देखिए वन टू, और सेकंड चेन में क्रोशी डालूँगी। देखिए वन टू थ्री, इस तरह से मैं सेकंड चेन में डबल क्रोशी बना लूँगी। देखिए क्रोशी पर टू बार धागा लेते हुए टू डबल क्रोशी सेकंड चेन में बना लूँगी, वन थ्री। देखिए इस तरह से, देखिए सेकंड चेन में टू डबल क्रोशी बना ली हूँ कुर्सी पर टू बार धागा लेते हुए। इसके बाद मैं कुर्सी पर थ्री बार धागा लूँगी, वन टू थ्री। और देखिए थर्ड चेन में मैं कुर्सी डालूँगी और कुर्सी पर थ्री बार धागा लेते हुए थर्ड चेन में टू डबल कुर्सी बना लूँगी। देखिए इस तरह से दोबारा देखिए इसे कुर्सी डालूँगी और इस तरह से बना लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए यहाँ पे टू चेन बनाऊंगी, वन टू। और देखिए इस तरह से मैं ये जो धागे दिख रही है इसमें मैं क्रोशी डालूंगी और सिंगल क्रोशी इस तरह से बना लूंगी। इसके बाद देखिए क्रोशी पर थ्री बार धागा लूंगी, देखिए इस तरह से। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशी डालूंगी, जैसे कि देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए फोर्थ चेन है, फोर्थ चेन में क्रोशी डालूंगी और इस तरह से क्रोशिया पर थ्री बार धागा लेते हुए टू डबल क्रोशिया फोर्थ चेन में बना लूँगी। देखिए दोबारा मैं इस जगह क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से देखिए बना लूँगी। इसके बाद मैं क्रोशिया पर टू बार धागा लूँगी, देखिए वन टू, और फिफ्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से क्रोशी पर टू बार धागा लेते हुए फिफ्थ चेन में टू डबल क्रोशी बना लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए क्रोशी पर वन बार धागा लूँगी मैं और सिक्स्थ चेन में क्रोशी डालूँगी और टू डबल क्रोशी बना लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए लास्ट चेन है सेवन्थ चेन, इसमें भी टू डबल कुर्सी बना लूँगी कुर्सी पर वन बार धागा लेते हुए। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ से बनाती हुई यहाँ पे गई, यहाँ से बनाते हुए इस तरह से घटाते हुए यहाँ पे मैं, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से वन पंखुड़ी में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इसे साइज, देखिए इसे छोटी पंखुड़ी बनी हुई है। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे वन टू चेन बनाऊंगी और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लूँगी, टू चेन बनाऊंगी और यहाँ पर देखिए क्रोशिया डालूँगी फिर सिंगल क्रोशिया इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी, टू चेन बनाऊंगी और लास्ट में यहाँ पर देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद टू चेन बना लूँगी, देखिए इस तरह से। और जैसे कि ए पंखुड़ी में बनाई हूँ सेम इसी तरह से मैं पूरी फोर पंखुड़ी बनाऊँगी, जैसे कि वन पीस में कंप्लीट कर ली हूँ थ्री और मैं बना लूँगी। तो देखिए फोर चेन में फोर डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डाली हूँ, डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी डबल क्रोशिया बनाऊँगी, थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फोर्थ चेन में क्रोशिया डालूँगी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद बैक साइड से मैं प्लॉट लूँगी और ये जो चैन दिख रही है चारों चैन में टू डबल क्रोशिया बना लूँगी
और सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी फोर पंखुड़ी में कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं फोर पंखुड़ी में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए जैसे कि मैं बनाई थी, देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए फोर पंखुड़ी में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ सेम साइज की। यहाँ पे मैं मार्क लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैं मार्क लगा लूँगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लगाई थी, इसके बाद मैं इससे छोटी पंखुड़ी में बनाऊँगी। देखिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट चेन में यहाँ पे मैं क्रोशी डालूँगी और 1 डबल क्रोशी बनाऊँगी। सेकंड चेन में क्रोशी डालूँगी, 1 डबल क्रोशी बनाऊँगी। थर्ड चेन में क्रोशी डालूँगी और 1 डबल क्रोशी बनाऊँगी। देखिए इस तरह से, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशी बना ली। इसके बाद बैक साइड से पलट लूँगी, 2 चेन बनाऊँगी। दोबारा देखिए इसी जगह पर क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। सेकंड चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं देखिए बैक साइड से पलट लूँगी और यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 चेन बनाऊँगी। इसी जगह पर क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। देखिए क्रोशी पर 1 धागा लेते हुए इस तरह से 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। देखिए इसी जगह पर मैं 2 डबल क्रोशी बना ली हूँ। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, सेकेंड चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, थर्ड चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, फोर्थ चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, इसके बाद फिफ्थ चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, देखिए इस तरह से। देखिए ये ऐसे छोटी पंखुड़ियाँ बन गई हैं। जैसे कि देखिए ये जो बीच वाली 1, 2, 3 पंखुड़ी बनाई हूँ, सेम ये 3 पंखुड़ी में बनाऊँगी। जैसे कि देखिए 1 पंखुड़ी में कंप्लीट कर ली, सेम इसी तरह से 2 पंखुड़ी और मैं कंप्लीट कर लूँगी। सेम इसी तरह से 2 चेन बनाऊँगी, यहाँ पर क्रोशे डाल के सिंगल क्रोशे ज्वाइन करूँगी, 2 चेन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशे ज्वाइन करूँगी, 2 चेन बनाऊँगी और नीचे देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशे इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद सेम इसी तरह से 2 पंखुड़ी और मैं कंप्लीट कर लूँगी, पूरे 3 पंखुड़ी बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 3 पंखुड़ी मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए 1, 2, 3, देखिए सेम साइज की मैं 3 पंखुड़ी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ पे भी मैं इस तरह से मार्क लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए इसमें लास्ट पंखुड़ी बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी फर्स्ट चेन में, सेकेंड चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। थर्ड चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। फोर्थ चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। फिफ्थ चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। सिक्स्थ चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। सेवन्थ चेन में क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। लास्ट में देखिए 8th चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। देखिए इस तरह से यहाँ तक 8th चेन बची हुई थी, इसमें 8 चेन में 2 डबल क्रोशी में बना ली हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से 2 चेन बनाऊँगी यहाँ पे और इसी जगह पे क्रोशी डालूँगी, 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी। 1, 2, इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशी डालूँगी और 2 डबल क्रोशी बनाऊँगी।
ये जो चेन दिख रही है एट्थ चेन, एट्थ चेन में टू डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से सारे चेन में टू डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। देखिए एट्थ चेन थी, एट्थ चेन में टू डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं इसको बैक साइड से इस तरह से पलट लूँगी। इसके बाद टू चेन बनाऊँगी, वन टू। और देखिए क्रोशिये पर धागा लेते हुए मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाऊँगी। क्रोशिये पर धागा लेते हुए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। क्रोशिये पर धागा लेते हुए सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। क्रोशिये पर धागा लेते हुए थर्ड चेन में क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से ये सारे चेन में क्रोशिया पर धागा लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से लास्ट में, देखिए लास्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे टू चेन बनाऊँगी, यहाँ पे क्रोशिया डालकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, टू चेन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी, टू चेन बनाऊँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी। इसके बाद देखिए ये उनको मैं कट करके साइड कर लूँगी। देखिए इस तरह से पंखुड़ी कंप्लीट हो गई है। देखिए इसको मैं अच्छी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पंखुड़ी में सेम बनाई हूँ, सबसे बड़ी पंखुड़ी। इसके बाद इसे छोटी पंखुड़ी बनाई हूँ, वन टू थ्री फोर। इसके बाद इसे छोटी पंखुड़ी बनाई हूँ, वन टू थ्री, और लास्ट का वन पंखुड़ी है। देखिए इस तरह से ये जो है इस तरह से आएगी। देखिए इसको मैं फ्लावर की शेप दूंगी, तो देखिए इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह से फ्लावर का शेप दूंगी, तो इस तरह से आएगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनेगी ये फ्लावर का। अच्छी तरह से मैं जब कंप्लीट करूँगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी ये। तो देखिए फ्रेंड्स ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो में कंप्लीट कर ली हूँ, जैसे कि ये मैं फ्लावर की पंखुड़ी बनाई थी। देखिए देखिए पंखुड़ी जो मैं बनाई हूँ ये मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से जैसे कि ये देखिए फ्लावर के पंखुड़ी बने हुए, सेम ही पंखुड़ी में कंप्लीट कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो ये कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप ये फ्लावर के पंखुड़ी बनाए तब तक, सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बैक साइड के, देखिए ये जो ग्रीन कलर से मैं बनाई हूँ ये बैक साइड के, ये मैं बनाना स्टार्ट करूँगी मैं सेकेंड पार्ट में। देखिए एक मैं पहले से बना के रखी हूँ, इस तरह से मैं बनाना बताऊँगी सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में आपको एलिप्स और अच्छी तरह से मैं पूरी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी थर्ड पार्ट में, क्योंकि फ्लावर बना रही हूँ, फ्लावर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगती है, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में बना रही हूँ, ताकि आपको देखने में भी इजी हो, बहुत आसानी से बना सकेंगे। छोटी छोटी पार्ट अलग अलग रहेगी तो, और अच्छी तरह से आप समझ भी पाएंगे, इसीलिए मैं अलग अलग करके इसे मैं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट की वीडियो कम्प्लीट हो गई है, आप इसे बनाएं, ट्राई करें, और बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर मेरी फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।